अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको विजिट करवाने लाए हैं 15 मरला ब्रांड न्यू हाउस, जो कि लोकेटेड है वाबड़ा टाउन फेस टू मुल्तान में। सबसे पहले हम आपको इसका स्ट्रीट व्यू करवाते हैं। मेन 60 फीट रोड फेसिंग का ये हाउस है। ये आप लोकेलिटी देख सकते हैं। लोकेशन की बात की जाए तो बहुत ही प्राइम लोकेशन का ये घर है, नियर टू पार्क मस्जिद इसके करीब है बिल्कुल ही। फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं, माशाल्लाह घर को बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया, मॉडर्न स्टाइल में घर को तैयार किया गया। राइट साइड का इसका पैच इसमें आप देख रहे हैं, टाइल वर्क किया गया, साथ ही रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया। लेफ्ट साइड में आपको वाइट कलर का विंडो पैनल मिल जाता है और इसके साथ बॉर्डर में भी टाइल्स यूज़ की गई हैं, साथ ही खूबसूरत फैंसी लाइट का इस्तेमाल किया गया। यहाँ से आपको घर का क्लोजअप करवाते हैं। ग्रे कलर का आपको गेट दिया गया, बहुत ही खूबसूरत, और साथ ही एक्सटर्नल लॉन की स्पेस दी गई है। यहाँ से आप कंप्लीट व्यू कर सकते हैं घर का, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह डिज़ाइन किया गया। 15 मरले का ये हाउस है। ये जी इसका कार रैंप आ गया। चलते हैं घर के अंदर और आपको अंदर का टूर करवाते हैं। घर की प्राइस प्लॉट प्लान आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप नहीं आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये जी इसका पार्किंग एरिया और ये इसकी टाइल्स। सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया वुडन स्टाइल में। पार्किंग स्पेस की बात की जाए तो दो बड़ी गाड़ियां आप इसमें इजीली पार्क कर सकते हैं। एक अच्छी स्पेस का आपको कार पोर्ट दिया गया है, साथ ही वाबड़ा टाउन बाय लास्ट के मुताबिक 4 फीट की आपको गली दी गई है। और ये इसका लॉन आ गया, लॉन आप देख सकते हैं, लॉन भी आपको एक अच्छी स्पेस का दिया गया है। साथ वॉल्स पर देख रहे हैं, वॉल डेकोर किया गया है, टाइल्स यूज़ की गई हैं, साथ आर्टिफिशियल ग्रास लगाया गया है। या आप कम्प्लीट व्यू कर सकते हैं लॉन का। और सामने ही आप देख रहे हैं मोज़ेक का काम किया गया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत निशित मैन। और ये इसके मेन एंट्रेंस आ गई। चलते हैं अंदर, आप अंदर का टूर करवाते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस और इसकी ये टाइल्स। और राइट साइड पे आपको इसका पाउडर रूम दिया गया और लेफ्ट साइड भी इसका ड्राइंग डाइनिंग, साथ ही स्टेयर दी गई है आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। सबसे पहले इसका पाउडर रूम दिखाते हैं आपको, इसका पाउडर रूम और ये सीलिंग डिज़ाइन साथ ही इसका। चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ और आपको ड्राइंग रूम दिखाते हैं इसका। इसका ड्राइंग रूम आ गया और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन वुडन स्टाइल में। उस साइज की विंडो दी गई है आपको वेंटिलेशन के लिए, यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं लॉन का। सामने वॉल डेकोर किया गया, साथ वॉल पेपर लगाया गया इसमें, और ये पार्टीशन की गई है डाइनिंग एरिया की। साथ ही इसका डाइनिंग एरिया आ गया, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। और यहाँ से हम चलते हैं इसका लिविंग एरिया की तरफ। यहाँ से आपको किचन के सामने इसका डोर दिया गया है डाइनिंग का। ये जिसकी मेन एंट्रेंस आ गई, ये आप देख सकते हैं इसका मेन डोर, साथ फैंसी ग्लास यूज़ किया गया। और जो डोर्स की क्वालिटी है बहुत ही अलग क्वालिटी की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया कम्प्लीट घर में। और ये आप देख रहे हैं वॉल डेकोर किया गया कंप्लीट। ये इसका किचन आ गया ग्राउंड फ्लोर का, ये आप किचन देख सकते हैं। शीट की जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी की शीट्स का इस्तेमाल किया गया। चूल्हे और उठ के लिए आपको स्पेस दी गई है और बिल्कुल इसके सामने आपको फ्रीजर की और माइक्रोवेव ओवन की स्पेस मिल जाती है। और साथ ही ये गली के साथ लॉन अटैच किए गए। चलते हैं मज़ीद आपको इसका लिविंग एरिया दिखाते हैं। ये जिसका लिविंग एरिया ग्राउंड फ्लोर का, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया। इसकी टाइल्स, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, सामने वॉलपेपर यूज़ किया गया। और ये इसकी मीडिया वॉल आ गई जो कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की गई है, टाइल वर्क किया गया, साथ लकड़ी का काम किया गया मीडिया वॉल पर। और टू साइडेड आपको विंडो पैनल दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको ओपन स्पेस मिल जाती है। और साथ ही इसका फर्स्ट बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का, इसके टाइल्स और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। और सामने ये इसकी मीडिया वॉल आ रही है रूम की, और इसके साथ ही ये कमर्स दी गई हैं आपको फुल साइज की। इसके जो शीट्स है बहुत ही अच्छा कलर यूज़ किया गया, और जो क्वालिटी की शीट बहुत ही अलग क्वालिटी की शीट यूज़ की गई है, और जो इसके हैंडल्स हैं वो भी एक अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। और ये इसका वॉशरूम आ गया अटैच, वॉशरूम देख सकते हैं आप। इसका मैनिटी
वॉशरूम की जो एक्सेसरीज है वो टोटली इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज का इस्तेमाल किए गए, और सेपरेट आपको ये शॉवर एरिया दिया गया है, वहाँ पर रेन शावर यूज़ किया गया, और टाइल्स आप देख रहे हैं टोटली टॉप तक यूज़ की गई हैं, यहाँ से आप कंप्लेंट व्यू कर सकते हैं वॉशरूम का। और ये इसका ये सिलिंग डिज़ाइन आ गया। ग्राउंड फ्लोर पे आपको टोटल 3 बेड्स दिए गए, टोटल 6 बेडरूम का ये हाउस है, 15 मरले का। ये जी इसका सेकंड बेडरूम जो कि मास्टर बेड है, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, और ये इसकी मीडिया वॉल आ गई जो कि वॉलपेपर से डिज़ाइन की गई है, और साथ ही इसके अटैच वॉशरूम इसका, ये कबर्ड्स आ गई फुल साइज़ थी, लाइट ब्राउन कलर की थीम में यूज़ की गई। ये इसका वैनिटी, और ये इसका बार टब आ गया, और साथ ही बिल्कुल इसके ऑपोजिट आपको इसका शॉवर एरिया मिल जाता है, आराम से आप कंप्लीट व्यू कर सकते हैं वॉशरूम का। एक अच्छी स्पेस का आपको वॉशरूम दिया गया, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन आ गया बहुत ही खूबसूरत। चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ और आपको इसका थर्ड बेडरूम दिखाते हैं। ये जी इसका थर्ड बेडरूम आ गया जो कि इसके बिल्कुल साथ ही है, सामने वॉलपेपर यूज़ किया गया, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, और ये विंडो आ गई वेंटिलेशन के लिए, और साथ ही ये इसका अटैच वॉशरूम, ये इसका अमेनिटी आ गया, और ये शॉवर एरिया सेपरेट दिया गया आपको। यहाँ से कबर्ड्स जो हैं देख सकते हैं आपको वॉशरूम के अंदर ही दी गई हैं फुल साइज़ की, और यहाँ से आपको कंप्लीट व्यू करवा देते हैं इस वॉशरूम पर, आप कंप्लीट व्यू कर सकते हैं। और इसका सीलिंग डिज़ाइन, रूम के साथ ही आपको कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए भी अलग स्पेस दी गई है, ये आप देख सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ और आपको फर्स्ट फ्लोर का विज़िट करवाते हैं। 15 मरले का ये हाउस है, माशाल्लाह इसको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया, जैसे कि आपको एक कनाल का घर में चीज़ें मिलती हैं सेम आपको 15 मरले में दी गई हैं। ये इसकी मेन लॉबी आ गई जो कि फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर दी गई हैं आपको। मार्बल आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत यूनिक यूज़ किया गया, और ये सामने टोटली टॉप तक वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया। चलते हैं ऊपर और आपको फर्स्ट फ्लोर का विज़िट करवाते हैं। ग्रिल आप देख रहे हैं बहुत ही डिसेंट यूज़ की गई है ब्लैक कलर की। ये फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हम, और यहाँ से आपको लॉबी का व्यू करवाते हैं। डबल हाइट लॉबी दी गई है आपको, और इसका जो सीलिंग डिज़ाइन आप देख रहे हैं वुडन स्टाइल में है, साथ बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत फनूस लगाया गया, और छोटी फैंसी लाइट का इस्तेमाल किया गया। यहाँ से आप कंप्लीट व्यू कर सकते हैं लॉबी का। सबसे पहले हम ऊपर आते साथ आपको इसका बेडरूम मिल जाता है, फर्स्ट बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का जो कि फ्रंट एरिया के साथ अटैच है। ये जी इसका फर्स्ट बेडरूम आ गया, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, सामने वॉलपेपर यूज़ किया गया, और यहाँ से ये आपको विंडो दी गई है फुल साइज़ की, यहाँ से आप बाहर का व्यू कर सकते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं सेफ्टी ग्रिल इंस्टॉल की गई है विंडोज़ के साथ भी, और ये इसका अटैच वॉशरूम आ गया। कबर्ड्स जो हैं वो आपको वॉशरूम के अंदर ही दी गई हैं। ये इसका अमेनिटी, और ये इसका शॉवर एरिया आ गया साथ ही, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। चलते हैं मज़ीद आगे और आपको ये बिल्कुल इसके साथ ही आपको इसका प्रेयर रूम मिल जाता है एक छोटा सा, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, इसका प्रेयर रूम, और बिल्कुल इसके साथ ही आपको स्टोर रूम भी दिया गया। इसका स्टोर आ गया, स्टोर में भी फुल साइज की कबर्ड्स दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, और ये आपका राइट साइड पे आ गया इसका फैमिली टेरेस, प्लांटर्स रखे गए हैं बहुत ही खूबसूरत, और सामने ये टाइल वर्क किया गया, ये इसकी टाइल्स आ गई, या कंप्लीट व्यू कर सकते हैं फैमिली टेरेस का। और बिल्कुल इसके साथ आपको मिल जाता है इसका टीवी लॉन्च फर्स्ट फ्लोर का, इसका टीवी लॉन्च आ गया, और ये इसकी मीडिया वॉल आ गई जो कि वॉलपेपर से डिज़ाइन की गई है, और साथ ही इसके पास आपको ओपन किचन मिल जाता है, जिसका ओपन किचन आ गया, यहाँ भी आपको चूल्हे के लिए और उठ की स्पेस दी गई है, और यहाँ भी जो शीट्स की क्वालिटी है बहुत ही अलग क्वालिटी की शीट इस्तेमाल की गई हैं किचन में, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन आ गया।
यहाँ से आप कंप्लीट व्यू कर सकते हैं। लॉन्च के साथ ही एक बेडरूम आपको दिए गए, क्या आप देख सकते हैं, ये इसका सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का, और इसका सीलिंग डिज़ाइन, और ये इसकी मीडिया वॉल आ गई, वॉल पेपर से डिज़ाइन की गई है, और साथ ही ये कबर्ड्स आ गई फुल साइज थी। वॉशरूम दिखाते हैं आपको इसका, ये जिसका वॉश हो, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, और यहाँ से ये वैनिटी आप देख सकते हैं, ये इसका वैनिटी, साथ ही ये इसका शावर एरिया आ गया, रेन शावर यूज़ किया गया। यहाँ से आपको कंप्लीट व्यू करवा देते हैं वॉशरूम का, एक अच्छी स्पेस का वॉशरूम दिया गया आपको। टाइल्स जो हैं आप देख रहे हैं टॉप तक यूज़ की गई हैं। चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ जो कि इसका लास्ट बेडरूम है। टोटल ये सिक्स बेडरूम का ये हाउस है, ये जिसका लास्ट बेडरूम, सामने वॉल पेपर यूज़ किया गया, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, ये इसकी टाइल्स आ गई, और साथ ही अति विंडो दी गई है जो कि आप ये लॉन्ड्री एरिया से अटैच है। चलते हैं वॉशरूम दिखाते हैं आपको इसका, ये जिसका वॉशरूम आ गया, ये इसका वैनिटी, और ये शॉवर एरिया, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, यहाँ पे जो कबर्ड्स हैं वो आपको वॉशिंग के अंदर दिए गए हैं फुल साइज की, ये आप देख सकते हैं ये कबर्ड्स आ गए फुल साइज की। चलते हैं आपको इसका सेवंथ रूम दिखाते हैं, ये जी आपको ओपन स्पेस दी गई है, साथ ही वॉशिंग एरिया के लिए भी स्पेस है, और सर्वेंट जो है वो उसके साथ ही अटैच किया गया, ये इसका सर्वेंट रूम आ गया, एक अच्छी स्पेस का सर्वेंट दिया गया, साथ इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है, इसका वॉशरूम आ गया, और इसकी इंट्रेंस जो है वो आपको बैक पे लोहे की सीढ़ी दी गई है, सेपरेट इंट्रेंस भी दी गई है, ये आप देख सकते हैं, ये बैक साइड पर आपको गली दी गई है घर की, यहाँ से सेपरेट रास्ता भी दिया गया आपको सर्वेंट रूम के लिए, और घर के अंदर से भी इंट्रेंस दी गई है सर्वेंट के लिए। चलते हैं घर की फ्रंट साइड पर, आपको इसका टेरेस व्यू करवाते हैं, यह आप दोबारा एक दफ़ा व्यू कर सकते हैं कंप्लीट घर का। चल रहे हैं हम इसकी फ्रंट साइड पे, और आपको टेरेस व्यू करवाते हैं, ये इसकी लॉबी आ गई डबल हाइट, और ये इसका टेरेस का डोर आ गया मेन फ्रंट टेरेस का, और यहाँ भी मैट टाइप यूज़ की गई हैं, ये यहाँ से आपको लोकेलिटी व्यू करवाते हैं इसके फ्रंट टेरेस से। लोकेलिटी आप देख रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 90% घर बने हुए हैं, और 60 फीट फेसिंग का ये हाउस है। घर की प्राइस की बात की जाए तो वो 4.90 करोड़ इसकी डिमांड है, 15 मरले का ये हाउस है, 6 बेडरूम है इसमें। मज़ीद डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।